ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, तो मित्रों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राघव वॉइस में। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी ज़िंदगी भी मज़े से चल रही होगी। आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदू धर्म में लोगों का पहला कर्तव्य है भगवान का पूजा करना, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का नाम लेना हिंदू धर्म में बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन पूजा करना काफ़ी नहीं होता, सही तरीके से और सही विधि विधान से पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें पूजा का सही फल प्राप्त होता है। नहीं तो पुण्य के बदले हमें पाप चढ़ जाता है। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए और कौन सी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए हमें पूजा करते वक्त। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ खास और अनोखे नियम जो कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पूजा पाठ की सही विधि क्या होती है। अगर आप इन नियमों को मानते हुए सही विधि विधान अनुसार भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान की कृपा दृष्टि सदा आप पर बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि गंदे वस्त्र पहनकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो यह सबको पता है, लेकिन कुछ लोग नहाने के बाद वही वस्त्र पहन लेते हैं जो पहले दिन पहना हुआ था। भले ही 2 घंटे के लिए ही पहना गया हो, लेकिन एक बार किसी कपड़े को बदन से उतारने के बाद फिर से उसको पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए, यह बहुत ही गलत माना जाता है। भगवान की पूजा तभी सफल मानी जाती है जब हम नए या धुले हुए वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। नए वस्त्र से हमारा मतलब यह नहीं कि वह वस्त्र बाजार से खरीदा गया हो, नया कपड़ा हो, बल्कि कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। हर रोज नहाने के बाद हमें वही कपड़े पहनने चाहिए जो हमने धो रखे हो। बिना धुले हुए कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। बिना धुले हुए कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 है, हर रोज शाम को संध्या पूजा बहुत ज़रूरी है। संध्या पूजा के महत्व के बारे में हर कोई नहीं जानता, लेकिन हर रोज़ संध्या पूजा करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि सुबह पूजा करना ज़रूरी होता है। संध्या पूजा के समय घर में और आंगन में दीप जरूर जलाना चाहिए। आंगन में तुलसी का पौधा हर हिंदू के घर में होता है। तुलसी के नीचे हर रोज़ जो लोग शाम को दीप जलाकर संध्या पूजा करते हैं उनके घर में हमेशा समृद्धि और बरकत बनी रहती है, इसलिए संध्या पूजा करना कभी ना भूले। संध्या पूजा से पहले स्नान करना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि दिन भर हम हर तरह के काम करते हैं, खाना पीना करते हैं, इसलिए पहले उसको बदलकर साफ कपड़े पहने और तब संध्या पूजा करना चाहिए। आप लोग चाहे तो संध्या पूजा के लिए अलग से एक साफ वस्त्र रख सकते हैं। रोज शाम को उस कपड़े को पहनकर संध्या पूजा कर सकते हैं। नंबर 3 है कि शाम को दीप और धूप जरूर जलाएं। सुबह की पूजा में अगरबत्ती जला सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा में धूप जरूर दिखाएं। शाम को धूप से पूजा करने से ना सिर्फ भगवान प्रसन्न होते हैं, बल्कि पूरे घर का वातावरण स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। इसके अलावा धूप के धुएं से गंदे कीट पतंगे भी घर से दूर चले जाते हैं, इसलिए हर शाम को घर में धूप जरूर दिखानी चाहिए। उसी तरह हर शाम को घर के आंगन में दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके बाद है, गौ माता की पूजा जरूर करें। गौ माता की पूजा बहुत लाभकारी होती है। भगवान की मूर्ति के सामने हर कोई पूजा करता है, लेकिन हिंदू धर्म में माना गया है
कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय की पूजा और सेवा हमेशा करनी चाहिए। कुछ लोग भगवान की पूजा तो अच्छे से करते हैं लेकिन गाय माता का अनादर करते हैं। ऐसा करने से भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए पूजा के साथ गौ माता की सेवा बहुत जरूरी होती है। गाय को चारा खिलाए और मौका मिले तो गाय की अच्छी तरह से सेवा करें। हफ्ते में कम से कम शनिवार के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करें। इसके बाद आता है कि हर रोज पूजा करें। कुछ लोग पूजा पाठ के महत्व को नहीं समझते और कभी कभार जब टाइम मिलता है तभी पूजा कर लेते हैं, लेकिन भगवान का नाम हर रोज लेना बहुत जरूरी होता है। घर का मंदिर कभी भी बासी नहीं छोड़ना चाहिए। घर का कोई भी एक सदस्य रोज सुबह उठकर मंदिर को धो पोछकर भगवान को भोग अवश्य दे और बाकी सब लोग नहाकर अगर पूजा भी ना करे तो सिर्फ दिल से ही भगवान को याद जरूर करे, लेकिन मंदिर को कभी भी बासी ना छोड़े। हर रोज कोई ना कोई भगवान की पूजा अवश्य करे। कभी भी दिए से दिए को प्रज्वलित ना करे। अक्सर लोग एक दिया जलाकर उस दिए से बाकी दिए को जला लेते हैं, लेकिन दिए से दिए को कभी भी नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही गलत होता है क्योंकि ऐसा करने से दरिद्रता घर में आती है। दिया ही नहीं बल्कि अगरबत्ती वगैरह भी दिए से नहीं जलानी चाहिए। दिए को हमेशा अलग अलग जलाना चाहिए। कभी भी एक दिए से दूसरे दिए को नहीं जलाना चाहिए, ऐसा उचित नहीं माना जाता। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना बहुत ही लाभकारी होता है। सुबह पूजन करते समय सूर्य भगवान को जल और फूल जरूर अर्पित करें। लाल फूल के साथ दूध और जल भगवान सूर्य को चढ़ाए। ऐसा करने से रोग दूर होते हैं और व्यक्ति में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति हर रोज सूर्य भगवान को जल देता है, आदित्य की कृपा सदैव उस व्यक्ति पर बनी रहती है और वह हमेशा सुखी और निरोगी जीवन व्यतीत करता है। पूजन करते समय भगवान को चरणामृत जरूर चढ़ाना चाहिए। आपके पास जो भी सामग्री मौजूद हो उससे भगवान जी के लिए चरणामृत बनाए, और अगर ज़्यादा कुछ नहीं है तो कच्चा दूध और मिश्री मिक्स करके ही चढ़ा दे, लेकिन पीतल के ग्लास में भगवान के लिए चरणामृत चढ़ाना जरूरी होता है। इससे भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। देखा जाता है कि लोग अपने धर्म की काफ़ी इज्जत करते हैं लेकिन दूसरे धर्मों के लिए मन में सम्मान नहीं रखते। लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि हर धर्म की अपनी अपनी खासियत होती है और अपनी अपनी मर्यादाएं होती है, और एक धर्म में रहकर किसी दूसरे धर्म का अपमान करना सही नहीं रहता। हर धर्म के लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि मंदिर में प्रसाद चढ़ा देने से ही पूजा नहीं होती, बल्कि पूजा तो दिल से होती है। और अगर हम अपने भगवान की हजार बार भी पूजा पाठ करें और दूसरे धर्म के लोगों के लिए मन में क्रोध और ईर्ष्या रखें तो भगवान हमसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये था कि भगवान की पूजा पाठ कैसे करें। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको भगवान की पूजा करने का सही तरीका भी पता चल गया होगा। आपसे निवेदन है कि कृपया करके अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।